एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अमीन इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीपैट एग्ज़ाम 2019 के बारे में। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपना जीपैट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स शीट है वो वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। तो दोस्तों, आप उसको चेक कर सकते हैं और अपनी जो आंसर की है उसको अपनी रिस्पॉन्स शीट से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चैलेंज करना हो किसी आंसर की को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ से आपको जीपैट की जो वेबसाइट है उस वाले लिंक पर जाना है। तो उस वाले लिंक पर जाने के बाद आपको जो ऊपर है नोटिस मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग और आंसर की से रिगार्डिंग। तो उस क्वेश्चन पेपर पर रिगार्डिंग नोटिस पढ़ लेंगे आप, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज उठाना है तो वो भी आप जो लिंक है यहाँ पे चैलेंज आंसर की का, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिस को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आंसर की है वो आप चैलेंज कर सकते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है यानी 3 फरवरी तक ही आप इसको चेक कर सकते हैं। और कोई अगर चैलेंज आपको आंसर की से रिगार्डिंग कंसिडर करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आंसर की चैलेंज करने का प्रोसीजर है वो आपको इसमें मिल जाएगा, इस पीडीएफ में जो आंसर की चैलेंज करने का जो सारा प्रोसीजर है। तो इस वाले नोटिस में आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आप अपने जो आंसर की है वो चैलेंज कर सकते हैं, और 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। और जो क्वेश्चन का आंसर आपने चैलेंज किया है अगर वो एनटीए ने कंसिडर कर लिया तो वो 1000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में वापसी रिफंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, चैलेंज करने के लिए पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करके लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक होगा आंसर की का और एक होगा क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट का। तो क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट में जो आपका क्वेश्चन होगा उसके आगे क्वेश्चन की ऑप्शन आईडी और 4 ऑप्शन आईडी गिवन होंगी। तो मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यह है आंसर की का डेमो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और क्वेश्चन आईडी लिखी हुई होगी। क्वेश्चन आईडी के आगे दोस्तों एक और आईडी होगी, ये क्वेश्चन आईडी है जिसमें लास्ट में 168 है, और जिसमें लास्ट में 131 है ये क्वेश्चन आईडी की करेक्ट आंसर है, यानी जो एनटीए ने कंसिडर करा है करेक्ट आंसर वो है। इसके बराबर में दोस्तों 4 ऑप्शन और होंगे जिसको आप चेक कर सकते हैं कि इन चारों में से अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन सही है तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर है 131, ये इन चारों में से ही एक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इन्होंने करेक्ट कंसिडर किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। और दोस्तों, जो रिस्पॉन्स शीट है वो कुछ इस तरीके की होगी आपकी। आपका यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होगा, आंसर गिवन होंगे, और यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आईडी गिवन होगी, और आपका स्टेटस शो करेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं इसको ऑफिशियल आंसर की से। दोस्तों, और अगर कोई क्लेम उठाना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर की में 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक कर देंगे, और जितने भी आंसर आपने सेलेक्ट करे हैं वो 1000 रुपीज़ पर आंसर के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी नीचे। तो इसको चेक करने के बाद जब आप सेव क्लेम पे क्लिक करेंगे तो एक बार आपको रिव्यू दिखाएगा कि कौन कौन से आंसर आपने चूज़ किए हैं चैलेंज करने के लिए। तो उसको सेव करने के बाद आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, और ये पेमेंट रिफंड हो जाएगी अगर आपके जो आंसर की का चैलेंज है वो अप्रूव कर लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।